जिसको विड्रॉ करने की बात की या हमें नहीं चाहिए या ये जो भी है, तो मैं ये कहना चाहूंगा उस व्यक्ति को इस 4914 के जो इसका जो ये स्कीम है प्रोग्रेसिव कैरियर स्कीम जो है इसके बारे में नॉलेज ही नहीं है उस व्यक्ति को जो असली ऐसी बात कर रहा है। और ये क्यों दी जाती है, कब से दी जा रही है, क्यों दी जानी जरूरी है, इसका क्या औचित्य है, इसके बारे में शायद उन व्यक्तियों को नॉलेज नहीं है। ये ऐसी स्कीम है जो आपके कैरियर में प्रोग्रेशन के लिए एक स्टेप अप को दूर करने के लिए आज से नहीं है 1975 से दी जा रही है। इसको बंद करने का कोई औचित्य ना हो सकती है, ना कोई सरकार बंद कर सकती है। अगर कोई सरकार इसको बंद करने का साहस करेगी, मैं आपको स्पष्ट कह दूं, तो वो सरकार भी ज्यादा दिन नहीं चल पाएगी। वो चाहो नेता उनके गोदी में क्यों ना बैठ जाए, वोट नेते ने नहीं देने, वोट कर्मचारियों ने देने, मैं स्पष्ट कह दूं। दूसरी बात जो आरती जी ने पूछी, कुछ कर्मचारी संगठन स्वागत कर रहे हैं, मैं उनको ये बता दूं जो आंकड़े मैंने आज यहाँ प्रस्तुत किए हैं, अगर इन आंकड़ों के हिसाब से वो ये बोलते हैं कि ये हिमाचल प्रदेश के किसी भी आज ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने की, क्या एक ब्रीफ आप बताएंगे, क्या इसका मकसद था और क्या आप ये जो शो कर रहे हैं? देखिए, आज की जो प्रेस वार्ता थी, ये छठे वेतन आयोग को जिस तरह से हिमाचल में लागू किया गया है, उसके नफा नुकसान, उसके फायदे और उसके नुकसान के बारे में, और पंजाब से हम किस तरह से पिछड़ रहे हैं, ये पहली बार इतिहास में ऐसा हो रहा है कि हिमाचल जो है एक ऐसा स्टेट बन रहा है जो सभी स्टेटों से कम जो है वेतन आयोग 1-1-16 को लागू कर रहा है, जबकि पहले पंजाब भी सेंटर से आगे होता था, बाद पंजाब भी पीछे हो गया। लेकिन आज हम पंजाब से कितने पीछे हो गए, पंजाब से भी 1-1-16 के अगर वेतन मान के हम बात करें, तो मैं थोड़ा सा आपको प्रकाश डालना चाहूँगा कि लेक्चरर का हिमाचल प्रदेश के अंदर जो स्टार्ट वेतन होगा वो 43,000 से होगा, जबकि पंजाब के अंदर 47,000 से लागू हो रहा है। और इस तरह TGT और DP का हिमाचल में 38,100 से लागू होगा 1-1-16 को, और पंजाब में 41,600 से है। उसी तरह CNB का 35,600 से लागू होगा हिमाचल में, और पंजाब में जो है 40,100 का है, और JBT का जो है 33,400 से है, और पंजाब का 37,600 से। तो इस तरह आप देख रहे हैं एवरेजन 4,000 से 5,000 रुपये हम जो है वेतन के मामले में पंजाब से एक तिथि में 1-1-16 को हम पीछे हो रहे हैं। ये एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। कुछ आंकड़े मैंने आपके समक्ष कैलकुलेट करके अभी इस बात में बताया, जिस तरह से हमारे पास जो क्लर्क है, स्टेनो है, फॉरेस्ट गार्ड है, पुलिस के जवान है, वो जो है अगर पंजाब के साथ एक तिथि में अपॉइंट हुए हैं 2013 में, तो वो 1-1-16 को वो 3400 की बेसिक में पीछे हो रहे हैं। और उसी तरह से उनको रिकवरी अगर देखी जाए, तो उनकी रिकवरी जो है वो जो निकलेगी लगभग 1,00,000 से ऊपर सभी की रिकवरी निकलेगी, इसका हिमाचल सरकार क्या करेगी। उस तरह अगर JBT भाइयों की बात करूँ, तो अगर JBT भाई पंजाब और हिमाचल में 2013 में एक तिथि में लगे हैं, तो वो सीधा सीधा 9100 की बेसिक में ही वो पीछे हो रहा है 1-1-16 की तिथि में, 3 साल के अंदर 9100 पीछे हो रहा है। अगर TGT भाइयों की बात करूँ, अगर TGT भाई 2013 में पंजाब और हिमाचल में अपॉइंट हुए हैं, तो वो जो है कुल मिला के 1-1-16 को जो है वो 7800 का डिफरेंस उन दोनों में आ रहा है। इसी तरह से अगर लेक्चरर की बात करूं, अगर लेक्चरर भी पंजाब और हिमाचल में एक ही तिथि में अगर सपोज किया 30-9-13 को दोनों एक साथ लगे हैं, तो उनको 1-1-16 में क्या नुकसान हो रहा है।